Hi guys, this is Uzair Ashraf and you are watching Digital Talk. आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम फोटोज या वीडियोस को एक कैलकुलेटर में छुपा सकते हैं। बहुत मज़ेदार ट्रिक है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड मैं साथ में ये भी बताने वाला हूँ कैसे हम उसी कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं एज एन ऐप लॉक। सो वीडियो ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना और साथ में सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स लॉट। तो शुरू करते हैं। बेसिकली इस ट्रिक के लिए खाली हमें एक ऐप चाहिए जो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो या मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस ऐप का नाम है कैलकुलेटर, जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसकी आइकन। तो ये जो कैलकुलेटर है, ये मेरे फ़ोन का बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर नहीं है, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो लगता है ये नॉर्मल कैलकुलेटर, लेकिन एक्चुअल में ये नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं है। तो इसी के ज़रिए हम वीडियोस और फोटोज़ को छुपा सकते हैं। मतलब अगर आप इसमें एंटर हो जाओगे, तो अगर आप इसका इंटरफेस देखोगे तो ये मतलब सिंपल कैलकुलेटर जैसा है। फॉर एग्जांपल मैंने किया 2 × 3, ये बराबर रिजल्ट दिखाएगा, बराबर नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर मैंने वो नंबर दिया जो मैंने पिन कोड रखा है, फॉर एग्जांपल मैंने ये रखा है कुछ, तो आप खुद ही वॉल्ट में एंटर हो जाओगे। तो वॉल्ट में एंटर होने के बाद आप यहाँ पे प्लस का साइन देख रहे हो, वहाँ पे ऐड करके आप फोटोज़ को चूज़ कर सकते हो, वीडियोज़ को चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये फ़ोटो चूज़ किया तो ये मेरा आ गया। तो नहीं होगा वहाँ पे, नहीं ये गैलरी में और किसी जगह पर। और साथ ही साथ में हम इससे एक चीज़ भी कर सकते हैं, इसका जो ऐप लॉक है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मैंने पैटर्न नहीं सेट किया अभी तक, मैं ये पैटर्न सेट करता हूँ। तो इसको मैं परमिशन देता हूँ, अब ये दिया मैंने इसको परमिशन। तो आप जिसको ऐप को मुझे लॉक करना है उसको मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम को लॉक किया, तो अब मैं इंस्टाग्राम में जाता हूँ। इंस्टाग्राम मुझे लॉक कर दिखाएगा। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, आप उनको खुद ही रिवील कर सकते हो। मतलब ये इंट्रूडर सेल्फी उठाता है साथ में, मतलब अगर कोई ब्रेक, मतलब सिक्योरिटी ब्रेक करने की कोशिश करता है तो उसकी पिक्चर ले लेता है खुद ही। तो गाइज मुझे कमेंट्स में बताइए कि आज की ट्रिक कैसी लगी आपको। शॉर्ट ट्रिक थी, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये कैसे लगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है बीच में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट।